प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सऊदी अरब राष्ट्रों ने तीन सिरे बीच संपन्न भी द्विपक्षीय बातचीत कई महत्वजोग दस्तावेजा माते दिया दस्तखत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब ने बतायो महत्वजोग साझेदार। कांग्रेस रा दिग्गज नेता नाथूराम मिर्धारी पोती ज्योति मिर्धा भाजपा में भी शामिल। नई दिल्ली रा भाजपा रा केंद्रीय दफ्तर में प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह और प्रदेश अध्यक्ष पी जोशी की मौजूदगी में लीनी सदस्यता। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बीकानेर में खबरनविसा ने कर संबोधित। महिला अत्याचार बिगड़ती कानून व्यवस्था समेत कई मुद्दा माथे राज्य सरकार ने घेरे। सत्ताईसमो राज्य स्तरीय भामाशाहार प्रेरक सम्मान जलसो जयपुर में भी आयोजित। 142 भामाशाहार 78 प्रेरकारों करो गयो मान। और प्रदेश की कई ठोरा माते बिरखारो दौर जारी। धौलपुर में ज्यादा बिरखासू जनजीवन हुए प्रभावित। आज भरतपुर कोटा और जयपुर संभाग री कुछेक ठोरा माते बिरखारो अंदाजो। नमस्कार, सिंजा 5 बजे री राजस्थानी खबरां में आप सब रो घणो स्वागत। मैं हूं अशोक व्यास और अब खबरां विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सऊदी अरब रा क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भारत सऊदी अरब रणनीतिक साझेदारी परिषद बैठक से जुड़ा दस्तावेजा माथे दस्तखत कर्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब ने महत्वजोग साझेदार बताता थका कहो कि मैं संबंधा रा नुआ और आधुनिक आयाम जोड़ रहा हां। भारत के दौरे पर आए सऊदी अरब के प्रधानमंत्री और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। द्विपक्षीय वार्ता के लिए दिल्ली के हैदराबाद हाउस पहुंचे सऊदी पीएम का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी और उनके सऊदी समकक्ष मोहम्मद बिन सलमान ने द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की और रणनीतिक साझेदारी की क्षमता को आगे बढ़ाने के तरीकों पर भी चर्चा हुई। पीएम मोदी और उनके सऊदी समकक्ष ने भारत सऊदी अरब रणनीतिक साझेदारी परिषद की पहली बैठक की सह अध्यक्षता की। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद ने हैदराबाद हाउस में आयोजित भारत सऊदी रणनीतिक साझेदारी परिषद की पहली बैठक के कार्यवृत्त पर हस्ताक्षर किए। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल की पहली लीडर्स मीटिंग में भाग लेते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। 2019 की मेरी सऊदी अरब यात्रा के दौरान हमने इस काउंसिल की घोषणा की थी। इन चार वर्षों में यह हमारी रणनीतिक साझेदारी को और सुदृढ़ करने के प्रभावी माध्यम के रूप में उभरा है। मुझे खुशी है कि इस काउंसिल के अंतर्गत दोनों कमेटी की कई बैठकें हुई हैं, जिनसे हर क्षेत्र में हमारा आपसी सहयोग निरंतर बढ़ रहा है। बदलते समय की जरूरतों के अनुसार हम हमारे संबंधों में नए और आधुनिक आयाम जोड़ रहे हैं। भारत के लिए सऊदी अरब हमारे सबसे महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक पार्टनर में से एक है। विश्व की दो बड़ी और तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं के रूप में हमारा आपसी सहयोग पूरे क्षेत्र की शांति और स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। हिज रॉयल हाइनेस के साथ बैठक के हमने हमारी करीबी साझेदारी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए कई इनिशिएटिव की पहचान की है। आज की हमारी बैठक से हमारे संबंधों को एक नई ऊर्जा, एक नई दिशा मिलेगी और हमें मिलकर मानवता की भलाई के लिए काम करते रहने की प्रेरणा मिलेगी। सऊदी अरब रा क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान रा भारत दौरा ने लेर आज विदेश मंत्रालय खबर नवीसा रो जलसो राख्यो। विदेश मंत्रालय रे सारू दोनों देशों रे बीच न्यारा न्यारा मुद्दा माथे सार्थक बातचीत हुई।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत और सऊदी अरब रे बीच स्टार्टअप ब्रिज री जरूरत माथे जोर दिनो। Honorable Prime Minister also congratulated the kingdom on becoming a full member of the BRICS, of course as a follow up of their membership in the SCO. Thereafter the two sides had long discussions. The Crown Prince went on to mention that India and Saudi Arabia have a long history of friendship over several hundreds of years, and no instances of any differences or conflict. That kind of bonhomie he was emphasizing. He also mentioned that both the kingdom and India are the two fastest economies, were the two fastest economies in 2022 last year, and continues to be so. And it is expected that the two countries would remain, the leading economic growth countries of the world for the next one decade or so. And so there are so many different areas in which the two countries could cooperate, and the two sides identified areas such as energy cooperation, defense, security, education, technology, transportation, healthcare, tourism and culture. कांग्रेस रा दिग्गज नेता नाथुराम मिर्धा री पोती ज्योति मिर्धा आज भारतीय जनता पार्टी री सदस्यता ले लेनी है। नवी दिल्ली रा भाजपा केंद्रीय दफ्तर में प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी बनाने पार्टी री सदस्यता दिलाई। भाजपा में शामिल होबा रे पछे ज्योति मिर्धा कहो कि मैं कांग्रेस पार्टी रे साथ राजनीतिक सफर री शुरुआत करी ही और अब भाजपा में शामिल हो सच्चा सिपाही रा रूप में काम करूंगी। ज्योति मिर्धा जी ज्वाइन किए हैं, बहुत ही लोकप्रिय नेता है कांग्रेस को छोड़ करके। इससे पहले कि पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष महिरिया जी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किए, कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री पहाड़िया जी उनके सुपुत्र भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किए, ऐसे अभी तक 40 लोग भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किए और लगातार ज्वाइन करने का सिलसिला बढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी का परिवार बढ़ रहा है, स्पष्ट संदेश देता है कि राजस्थान में परिवर्तन की हवा चल रही है और वह कांग्रेस के विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। आपका पुनः पार्टी के मुख्यालय में आप सब का अभिनंदन और स्वागत करता हूं। उत्तर भारत में एमरजेंसी के समय जो एकमात्र सीट जीते थे, जिन्होंने किसानों के कल्याण के लिए अनेक काम किए, ऐसे नाथुराम मिर्धा जी के परिवार से मैं भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से ज्योति मिर्धा जी का, जो 2009 से 14 सांसद रही और सवाई सिंह सिंह जिनके पिताजी विधायक रहे, प्रधान रहे, ये भी चुनाव लड़े, दोनों का मैं राजस्थान भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। नेता नीति नियत और नेतृत्व का अभाव कांग्रेस पार्टी में देखकर, जहां कुशल नेतृत्व है, जहां नीति स्पष्ट है, जहां मजबूत नेतृत्व है, ऐसी पार्टी का दामन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की कल्याणकारी नीतियों को स्वीकार करते हुए माननीय ज्योति जी ने और सवाई सिंह जी ने आज पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल राजस्थान में बढ़ता महिला अत्याचार और बिगड़ती कानून व्यवस्था समेत कई मुद्दा माथे राज्य सरकार ने घेरियो। बीकानेर में भाजपा री परिवर्तन यात्रा रो चौथो रथ काले बीकानेर पुग्यो, जिन पछे खबर नवीसा ने संबोधित करता था केंद्रीय मंत्री वन नेशन वन इलेक्शन रा मुद्दा माथे कहो कि कांग्रेस इलेक्शन प्रक्रिया ने सुधारनो नीचावे है। वणा कहो कि भाजपा कानीसू चलाई जा रही परिवर्तन यात्रा ने जनता रो समर्थन मिल रियो है। कुशासन है कांग्रेस का, वो प्रमुख मुद्दा है। दलितों पे अत्याचार, महिलाओं पे अत्याचार, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाना, दो खेमों में बढ़ जाना, पीपर लीक हो जाना,
युवाओं के साथ धोखा, किसानों के साथ धोखा, ये बड़े मुद्दे हैं और हम आएंगे तो हम सुशासन देंगे, ये बड़ा मुद्दा है और जनता हमें स्वीकार कर रही है। भारत का ये गर्व का पल है जी कि भारत ने जो एजेंडा सेट किया, सारे देश सहमत हुए, एक टेबल पर आए, ये गर्व का क्षण है भारत के लिए। केन्द्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह कहो कि G20 रा आयोजन शू विश्व स्तर में भारत ने एक नई पिछाण मिली है। वणा कहो कि G20 रा सफल आयोजन शू देश री अर्थव्यवस्था ने भी बल मिलो है। आज दोसा में एक खबर नवीसा ने संबोधित करता थका राज्य री कांग्रेस सरकार माथे वणा हमलो बोलियो। पिछले तकरीबन 5 साल के अंदर, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, जिस तरह की अव्यवस्था रही है, जिस तरीके से सरकार चली है, जिस तरीके से जो वायदे किए गए थे वो पूरे नहीं किए गए, तो अब समय आ गया लोगों को बताने के लिए अभी परिवर्तन जरूरी है। लोग बाग वैसे फील करते हैं, मैं बहुत जगह गया तो लोग बाग इस चीज़ को फील करते हैं कि हमको परिवर्तन की आवश्यकता है। अलग अलग जगह पर जो भी यात्राएं गई हैं, सबके अंदर जनता की तरफ से इस चीज़ के ऊपर पूरी पुष्टि हुई है कि परिवर्तन चाहिए। परिवर्तन किसी भी जगह दो कारणों से होता है। पहला, जब जनता की आकांक्षाओं के ऊपर हम पूरे नहीं उतरते, और दूसरा जब भ्रष्टाचार बढ़ता है, उसके अंदर आम आदमी को, आम मानसी को दिक्कत होती है। ये दो चीजें ऐसी हैं जो कि अब या पिछले 3-4 साल से सरकार के अंदर नजर आ रही है। स्कूल शिक्षा महकमा कानीसू 27वां राज्य स्तरीय भामाशाह और प्रेरक सम्मान जलसो जयपुर रा बिड़ला सभागार में राख्यो गयो। जलसारा खास पावणा शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला द्वीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम रो विधिवत उद्घाटन कर्या। इन जलसा में 142 भामाशाह और 78 प्रेरकां रो मान कर्यो गयो। भामाशाह प्रदेश में शिक्षा रा विकास खातर 171.12 करोड़ रूपया खर्च कर्या है। इन मौका माथे शिक्षा सचिव नवीन जैन और प्रारंभिक शिक्षा निदेशक काना राम समेत कई लोग मौजूद रिया। इन मौका माथे शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला कहो कि राजस्थान में शिक्षा महकमो कई कीर्तिमान स्थापित कराया है। राणा प्रताप के मित्र, सलाहकार, हितेशी थे जिन्होंने संकट के समय महाराणा प्रताप की मदद की और 25,000 सैनिकों को 12 वर्ष तक उनकी तनख्वाह और उनका भरण पोषण करने जितनी राशि अपने स्वयं के कोष से आगे बढ़कर दी, उन्हीं की स्मृति में ये भामाशाह अवार्ड दिए जाते हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में कक्षा कमरे बनाते हैं, स्कूल भवन बनाते हैं, चार दीवारियां बनाते हैं अथवा प्रयोगशाला। उनको 3 कैटेगरी के विद्याभूषण, शिक्षाश्री और विद्या विभूषण, ये 3 प्रकार के पुरस्कार दिए जाते हैं। ये शिक्षा भूषण अवार्ड भी मिला है जो भी लगातार 8वीं बार मिला है। अवार्ड्स का सबसे बड़ा जो फ़ायदा होता है वो ये होता है कि जब स्टेट लेवल पे आप रिकॉग्नाइजेशन मिलती है तो हम इन स्कूलों के लिए और ज़्यादा कर पाते हैं। हमारी ऑलरेडी अभी 18 स्कूलें हैं और उसके अंदर लगभग 5600 बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है, कंप्यूटर्स की शिक्षा, इंग्लिश की शिक्षा और बेस्ट ऑफ द फर्नीचर्स, बेस्ट ऑफ द बिल्डिंग्स के अंदर वो ये शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। हम बिल्डिंग बनाने से लेके फर्नीचर से लेके टॉयलेट बॉक्स, वाटर स्टेशन, उनकी सभी तरह की स्टेशनरी, उनका फर्नीचर, इन सभी पे काम करते हैं। भामाशाह प्रेरक सम्मान को मैं सम्मिलित होकर और प्रेरक पुरस्कार पाकर आज मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्नचित और गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार की तरफ से प्रतिवर्ष आयोजित किए जाने वाले इस सम्मान समारोह में राजस्थान के कोने कोने से भामाशाहों को और उन भामाशाहों को स्कूल तक लाने वाले समस्त प्रेरकों को सम्मानित किया जाता है। इन भामाशाहों की बदौलत शिक्षा विभाग में विद्यालय और विद्यार्थी हित में करोड़ों और लाखों के काम करवाए जाते हैं। इसी तरीके के भामाशाहों के मार्फत ही मेरे अपने स्वयं के विद्यालय सेंदड़ा, रायपुर, पाली, वर्तमान में ब्यावर जिले में लगभग 1 करोड़ के काम करवाए गए हैं। 74वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव रो आयोजन जयपुर रा कानोता में कर्यो गयो। महोत्सव में वन मंत्री हेमाराम चौधरी पीपल रो पेड़ लगार कार्यक्रम की शुरुआत करी। इन दौरान वन महकमा रा अतिरिक्त मुख्य सचिव शिखर अग्रवाल, प्रधान मुख्य वन संरक्षक मनीष कुमार गर्ग समेत NCC कैडेट्स और आम लोग भेड़ा हुआ। महोत्सव रे दौरान 51 प्रजाति रा 1000 पौधा लगाया गया। इन दौरान वन मंत्री लोगों बत्तों बत्ता पेड़ लगाबा और उणारो रख रखाव करबारो हेलो दिनों।
9.60% जो राजस्थान का भाग है उसका वन भूमि है और उसमें भी 7.42% पर ही पेड़ पौधे हैं, बाकी पे पेड़ पौधे नहीं। तो इसलिए हमने तय किया है कि वन क्षेत्र के बाहर आउटसाइड फॉरेस्ट के भी जन सहभागिता से प्लांटेशन का कार्यक्रम हाथ में लिया जाए और पूरे राजस्थान को हरा भरा बनाया जाए, जिससे कि आने वाले समय में जलवायु में परिवर्तन हो, ज़्यादा से ज़्यादा बरसात हो, ऑक्सीजन भी मिले, कोरोना जैसी बीमारी नहीं हो, इस प्रकार का हमारे विभाग का प्रयास। जोधपुर संभाग रा मोजिज मुस्लिम समाज रा लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा नेतृत्व में केंद्र सरकार का निशू चलाई जा रही नैरी नैरी योजनावां ने सराबा जो कदम बतायो। समाज रा लोगों रो कहना है कि केंद्र सरकार का निशू मुस्लिम समाज रा कल्याण माते ध्यान दियो जा रियो है। नरेंद्र मोदी जी हमेशा देश के विकास की और सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं, उसमें मुस्लिम समाज का भी हमेशा आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। उन्होंने कई योजनाएं शिक्षा के संबंध में चलाई है, जैसे मौलाना आज़ाद स्कॉलरशिप, इसमें बच्चों को पढ़ने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से छात्रवृत्ति मिली जाती है, क्योंकि जब मुसलमान की बच्चियाँ पढ़ेगी तो उनके घर में पढ़े हुए बच्चे को पढ़ाएगी तो उनके बच्चों की नौकरी लगेगी। और पिछले 9 सालों में जब से मोदी जी का राज आया, मुस्लिम समाज कई बड़ी बड़ी नौकरियों पर उनकी नौकरी लगी है, ये मोदी समाज सरकार की उपलब्धि भी है। अभी मोदी जी के नेतृत्व में जो भी ये काम हो रहे हैं महिलाओं के सम्मान में, तो बहुत अच्छा सम्मान हो रहा है और शायद पहले कभी नहीं हुआ होगा जितना अभी महिलाओं को सम्मान मिल रहा है। महिलाओं को सपोर्ट भी बहुत मिल रहा है मोदी जी के नेतृत्व में। मुस्लिम महिलाओं की तो बहुत अच्छी स्थिति सुधरी है, जब से 3 तलाक का मसला मोदी जी ने हल कर दिया तो क्या है उसमें थोड़ी बहुत ज़्यादा अभी गिरावट आ गई है और तलाकें भी कम होने लग गई है। तो ये तो मोदी जी का फैसला सर आँखों पर और उनका फैसला खुशी लायक है। हमारे केंद्र सरकार में मोदी जी ने मुस्लिम समाज के लिए जो इतने बेहतरीन काम किए हैं, जिसमें उपलब्धियाँ जितनी भी गिनाएं हम कम हैं। जिस तरीके से शिक्षा की जहाँ तक बात है, शिक्षा के अंदर अब मुस्लिम समाज बहुत आगे बढ़ा है। पहले मिसाल देते हैं कि मुस्लिम समाज पढ़ता नहीं है, लेकिन मोदी जी के आने के बाद मुस्लिम समाज में पढ़ाई की बहुत ही जो है गतिविधि बड़ी तेज हुई है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। बेसहारा अर परिवार से बिछड़े लोगों खातर डीडवाणा कुचामन जिला रो अपना घर आश्रम वरदान साबित हो रही है। आश्रम माए बेसहारा लोगों ने न खाली उपचार मिल रही है बल्कि बनारा परिवार रा लोगों से दोबारा मिलवायु भी जा रही है। पेश एक रिपोर्ट। यह उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के निवासी आसाराम, जो कि अपने भाई उमाशंकर को लेने डीडवाना कुचामन जिले के कुचामन सिटी के अपना घर आश्रम पहुंचे हैं। भाई उमाशंकर को देखते ही आसाराम की आंखों में आंसू छलक गए और उन्होंने दौड़कर अपने भाई को बाहों में थाम लिया। दरअसल आसाराम के भाई उमाशंकर घर से बिछड़ गए थे। घर वालों ने काफी कोशिश की लेकिन उमाशंकर नहीं मिले। कुछ दिन पहले अचानक उन्हें अपना घर आश्रम कुचामन से एक फोन कॉल आया कि उनके भाई उमाशंकर आश्रम में हैं और आज वे अपने भाई को लेने आश्रम पहुंचे हैं। आसाराम ने कुचामन के अपना घर आश्रम की जमकर तारीफ की और उनका आभार भी जताया। उमाशंकर को आश्रम तक लाने वाले गजानंद सोनी ने भी आश्रम की सेवाओं को प्रेरक बताया। हमारा भाई यहाँ सूचना मिली अपना घर आश्रम से घर में, तो बहुत खुशी हुई और जब पता मिला हम तुरंत वहाँ से आए यहाँ भाई को बुलाने के लिए, तो देखा यहाँ हर चीज़ सब व्यवस्था सब ठीक ठाक है। मेरे को आज इतनी बहुत खुशी हुई कि इनके परिवार वाले आए और इनको साथ में लेके गए और मेरे को भी वहाँ ये मिला था, तब बहुत खुशी हुई थी कि मैं अपने अगर आश्रम में इनको पहुँचाया और इनको सूचना दी, तो यहाँ आके उनकी व्यवस्था वगैरह थी बहुत बढ़िया थी। सड़क, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, धार्मिक स्थल, अस्पताल और निर्जन स्थानों के पास मिले लावारिस और बेसहारा लोगों को आश्रय देने और उनके उपचार के साथ पुनर्वास कराने के मकसद से साल 2021 में डीडवाना कुचामन जिले के कुचामन सिटी में अपना घर आश्रम की शुरुआत सामाजिक संस्था कुचामन विकास समिति ने की। आश्रयहीन लोगों को अपना घर में प्रभु जी कहकर संबोधित किया जाता है।
इस आश्रम में आवश्यक रूप से आश्रयहीन असहाय बीमारजनों को भर्ती किया जाता है और उन्हें निःशुल्क चिकित्सा, आवास, भोजन, कपड़ा एवं अन्य आवश्यकताओं की सुविधाएं दी जाती है। इसी के साथ बिछड़े प्रभु जी को उनके परिवार से मिलाने की मुहिम भी जारी रहती है। इसके लिए अलग से पुनर्वास टीम बनाई गई है। IITN भी इस टीम का हिस्सा है। पुलिस प्रशासन के साथ सोशल मीडिया का भी सहारा लेकर बिछड़ों को अपनों से मिलाने का काम अपना घर आश्रम कर उसी का नतीजा है कि अब तक कुचामन का अपना घर आश्रम उमा शंकर सहित 28 बिछड़े हुओं को उनके अपनों से मिला चुका है। अपना घर आश्रम की आइडियोलॉजी है कि जो भी कोई कारणवश बेघर हो रहे हैं या मानसिक विमंदता के कारण से घर से भटक गए हैं और लावारिस घूम रहे हैं बेसहारा, उनको आश्रम में लाके और उनकी पूरी नियमित दिनचर्या सुचारू रूप से करके दवाई पानी से उनके दिमाग में कहीं भी याददाश्त में उनके घर का पता लग जाए, तो पहले सबसे प्रमुखता से ये कार्य किया जाता है कि उनका पुनर्वास हो। आश्रम पहले 50 बेड का था, तब 50 बेड भरते नहीं थे, लेकिन अब 70 बेड का है और 57-58 प्रभु जी अभी हैं। हम चाहते हैं कि हमें सबसे बड़ी सेवा अर्थ की नहीं है, सबसे बड़ी सेवा है आपको कहीं भी प्रभु जी दिखे रोड पे उसकी सूचना देना सबसे बड़ी सेवा है, उनको यहाँ तक पहुँचाना सबसे बड़ी। कुचामन और आसपास के क्षेत्र के भामाशाहों का सहयोग लगातार अपना घर आश्रम को मिलता रहा है। यही नहीं, शहर की कई सामाजिक संस्थाएं और ग्रुप भी होली और दिवाली के साथ अन्य त्योहारों के मौके पर आश्रम में आते हैं और वे त्योहार को प्रभु जी के साथ मनाते हैं और उस वक्त प्रभु जी के चेहरे पर जो खुशी नजर आती है वो देखने लायक होती है। अपना घर आश्रम की तारीफ आज हर कोई कर रहा है। कुचामन में जो अपना घर आश्रम है वो कुचामन विकास समिति द्वारा संचालित है। यहाँ पे जो मानसिक रोगी आते हैं उनको प्रभु जी नाम से संबोधित किया जाता है और जिस निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा की जाती है वो देखने के लायक है। वास्तव में ही वहाँ पे जाने के बाद आपको संतुष्टि मिलती है। अभी तक 28 प्रभु जियों को उनके घर वालों से मिला दिया गया है और एक ये बहुत ही नर सेवा, नारायण सेवा को चरितार्थ करने वाली एक संस्था है। बिछड़ों को अपनों से मिलाने और निराश्रितों को आश्रय देने का अपना घर आश्रम का मकसद यकीनन कुचामन का अपना घर आश्रम पूरा कर रहा है। आश्रम संचालन में स्थानीय निवासियों और भामाशाहों का सहयोग भी तारीफ के काबिल है। प्रदेश में शनिवार से शुरू हुए बिरखारो सिलसिलो काल भी जारी रियो। अगुणा राजस्थान रा कुछ एक हल्का माए हल्की सु मध्यम दर्जारी बिरखा दर्ज करेगी, जीरो 13 सितंबर ताई जारी रह बारो अंदाजो है। रविवार ने धौलपुर माए सबसु 230 मिलीमीटर बिरखा दर्ज करेगी। मौसम केंद्र जयपुर रसारू आज भरतपुर, कोटा और जयपुर संभाग री कुछ एक थोड़ा माते बिरखा हो बारो अंदाजो है। धौलपुर जिला में लाडला 3 दिनासु होरी बिरखा रे कारण शहर रो जनजीवन अस्त व्यस्त वे गयो। धौलपुर शहर समेत बाड़ी, बसेड़ी, सीपऊ, मनिया, मांगरोल जेड़ा खेतरा में जलभराव रा हालात पैदा वे गया। चीतरिया ताल ओवरफ्लो होबा रे कारण कई कॉलोनिया में पानी भर गयो। बिरखा रे चालता नगर परिषद और जिला प्रशासन रा इंतजाम भी कम पड़ गया, जिसु लोग प्रशासन रे सारू नाराजगी जताई। खाने पीने का राशन पानी सब कोई कमी नहीं रही है, सारे लोग मारा था, सर फूल नाश हो गया है। बिल्कुल आम जन बहुत ज़्यादा परेशान है, किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की गई है, समझ में नहीं आता प्रशासन कर क्या रहा है। प्रशासन रोज यहाँ से गुजर रहा है, मुख्य रास्ता है और यहाँ पे इतना घर भराब है, आस पास की कॉलोनियाँ डूबी हुई है, घरों में पानी घुस चुका है। परसों रात से मतलब पिछले 48 घंटे में 273 mm पानी बरस चुका है और वो मेन तरह धौलपुर कस्बे में काफ़ी बरसात हुई है, तो धौलपुर कस्बे में ही ज़्यादा परेशानी होती हुई है। बच्चों के हित में कहीं हो सकता है सीवरेज के मेन रोड्स खुले हुए हों, गड्ढे ज़्यादा हो गए हों, पानी भरा हुआ है तो कहीं उनका लेवल्स पता नहीं चले कि कोई गड्ढे में कोई पहिया चला जाए, किसी वाहन का, बच्चों की साइकिल चली जाए। तो ये सोचते हुए हमने निर्णय लिया कि धौलपुर नगर परिषद क्षेत्र के जो स्कूल हैं राजकीय और प्राइवेट, उन सबको आज तो कम से कम बंद रखा जाएगा। आज हम बारिश की आकलन करके, पानी के भराव का आकलन करके पुनः निर्णय लेंगे कि इसको कल तक इसको चालू रखना है या परसों तक रखना है। धौलपुर माए भी बिरखा रे चालता निचला इलाका माए पानी भरबासू खासी दिक्कतों रो सामनो करनो पड़ रियो है। बठे प्रशासन कानीसू राहत नी पूगबा माते निचला इलाका माए रहण वाला लोग जिला कलेक्ट्रेट माए प्रशासन रे खिलाफ जमर नाराबाजी करी।
इन दौरान लोग आपरी समस्याओं से जुड़ेड़ो ज्ञापन जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल ने सौंपियो। और बाकी रमाई खास खास खबर एक कर फेरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सऊदी अरब रा क्राउन प्रिंस वीचे संपन्न की द्विपक्षीय बातचीत, कई महत्वजोग दस्तावेजा माते दिया दस्तखत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब ने बतायो महत्वजोग साझेदार। कांग्रेस रा दिग्गज नेता नाथूराम मिर्दा री पोती ज्योति मिर्दा भाजपा माए भी शामिल। नई दिल्ली रा भाजपा रा केंद्रीय दफ्तर माए प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह और प्रदेश अध्यक्ष सी पी जोशी री मौजूदगी माए भी ली सदस्यता। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बीकानेर में खबरनविसा ने कर संबोधित। महिला अत्याचार बिगड़ती कानून व्यवस्था समेत कई मुद्दा माते राज्य सरकार ने घेरिया। सत्ताईसमु राज्य स्तरीय भामाशाह और प्रेरक सम्मान जलसो जयपुर में भी आयोजित। 142 भामाशाह और 78 प्रेरकारों करो गयो मान। और प्रदेश री कई ठोरा माते बिरखारो दौर जारी। धौलपुर में ज्यादा बिरखा सू जनजीवन हुयो प्रभावित। आज भरतपुर कोटा और जयपुर संभाग री कुछ एक ठोरा माते बिरखा हो पारो अंदाजो। इंड साथे सिंझा 5 बजे री राजस्थानी खबर ठही पूरी हुई। साथे देखता रहो डीडी राजस्थान। नमस्कार।